अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? तो भाई आप सबको बिहाइंड द विजन की तरफ से और खास तौर पे प्रिज्मा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई आज हम यहाँ मॉडल कॉलोनी में मौजूद हैं। हमारे जो है वो बिल्कुल सामने एयरपोर्ट वाला रोड लगता है और पीछे ये पूरा मॉडल कॉलोनी है। तो भाई आज हमने जो है वो पीपल स्क्वायर का न्यू ईयर इवेंट कवर किया, तो इसके बाद हमारा दिल करा कि हम आइसक्रीम ट्राई करें। तो भाई आइसक्रीम की मुझे तो कराची में सबसे ज़बरदस्त जो आइसक्रीम लगती है वो है पिशावरी आइसक्रीम। इसका टेस्ट बहुत ही अलग है और इन्होंने जो है वो एक सरप्राइज आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करवाई भी है, उसका टेस्ट है लाजवाब। देखते हैं ये उसमें क्या क्या डालते हैं। और एक और बात, आइसक्रीम के अलावा यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सूप भी मिल रहा है, तो चलें चलते हैं। ये भाई ड्राई फ्रूट शेक बन रहा है, इसमें ये फ्लेवर कौन सा डाला है भाई? ये बादामी कुल्फा है। बादामी कुल्फा, सॉरी यार, पिस्ता। और ये पिस्ता फ्लेवर। ये हो जाएगा ड्राई फ्रूट शेक आपका तैयार। अब ये जो है वो ब्लेंड होने के लिए जा रहा है। और दूध है ये भाई, ऑल पर्पस का जबरदस्त दूध। ये यहाँ की साफ सफाई भी आप जो है वाजे देख सकते हैं, बड़ी तरीके से यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, साफ सफाई से आइसक्रीम यहाँ पे बन रही है। और भाई ये भाई जो है ना यहाँ की पिशावरी आइसक्रीम जो है, क्या नाम है इनका? मोहिबुल्ला। ये भाई यहाँ पे आइसक्रीम भी बनाते हैं, शेक भी बनाते हैं, माशाल्लाह से लाजवाब इनका टेस्ट है। इसी वजह से ये पिशावरी आइसक्रीम जो है, जबकि इसके आस पड़ोस में जो है वो दूसरी और भी आइसक्रीम शॉप्स हैं, पर यहाँ के आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो वाकई सबसे अलग होता है। तो उनका टेस्ट अलग होगा, ये ब्रांच वाला हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपस में रिश्तेदार है, उन्होंने अलग अलग दुकानें जो है वो खोली हुई है। तो भाई अलग अलग फ्लेवर्स की यहाँ पे आइसक्रीम बन के आ चुकी है। ये है इनका सरप्राइज, जिसकी वजह से ये मॉडल कॉलोनी पिशावरी आइसक्रीम मशहूर है। इसमें भाई बहुत सारे लवाजमात ये डाल के देते हैं और आज इन्होंने ये स्पेशल एडिशन भी किया इसमें से आइसक्रीम का, तो टेस्ट करके बताते हैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे फ्लेवर हैं इसमें, आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं। आप जो है जो भी फ्लेवर खाना पसंद करें आपको वो सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं। और भाई ये यहाँ पे है इनकी चॉकलेट, इसे भी ट्राई करते हैं। इनकी हर आइसक्रीम का टेस्ट अलग है और जो फ्लेवर है वो फ्लेवर इनका सबका वाजे हो रहा है, पता चल रहा है। और शेक इन्होंने खुद रिकमेंड किया है कि भाई आप यहाँ का शेक ट्राई करें और शेक ट्राई करने के बाद अपने व्यूवर्स को बताएं कि, और क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि अभी शेक मिलता है, तो जब भी हम ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। स्ट्रॉबेरी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इन्होंने जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी अच्छा यूज़ किया हुआ है, साथ में ये जो मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ऑलपर्स का, जैसा हमने आपको दिखाया। यहाँ पे आप लाजमी विज़िट करें और ये खाने के बाद हम सूप ट्राई करेंगे और फिर आपको सूप का भी बताएंगे। तो भी ये है इनका चिकन कॉर्न सूप, बहुत ज़बरदस्त। क्या मटेरियल ये अच्छा यूज़ करते हैं, देखें अगर इन्होंने एग वगैरह भी डाला है तो वो भी ज़बरदस्त, और साथ में इनके कॉर्न भी जो हैं वो बड़े बड़े कॉर्न्स। तो ये सब यहाँ पे आ चुका है, अब इसको मिक्स करते हैं।
तो भाई सर्दियों में यहाँ पे कोई आइसक्रीम खाना अगर नहीं पसंद करता तो उसके लिए सूप का भी यहाँ पे इंतज़ाम है। वो है कैसा ये तो हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। अच्छा है, सिंपल इनका सूप है, चीज़ें इन्होंने सारी अच्छी अच्छी डाली हुई हैं, चिकन भी एग भी मज़ेदार, और सर्दियों में तो ये मज़ा दे रहा है, सूप बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।